महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। एक बार फिर राज्य के ज्यादातर मंडियों में किसानों को प्याज का बेहद कम भाव मिला है। किसानों का कहना है कि अप्रैल महीने से ही प्याज का उचित दाम नहीं मिल रहा। देश में सबसे ज्यादा प्याज की सप्लाई महाराष्ट्र से होती है और यहाँ के किसान गिरती कीमतों से परेशान है। वहीं कुछ का कहना है कि व्यापारी किसानों से औने पौने दाम पर प्याज खरीद कर उससे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में किसानों को सिर्फ नुकसान झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में दरअसल प्याज नकदी फसल है और नासिक जिले में किसान सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करते हैं और इसकी खेती पर निर्भर करते हैं। वहीं महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन भारत धिगोली का कहना है कि इस समय किसानों को प्याज का दाम न्यूनतम 30 से 35 रुपए किलो मिले तब जाकर किसानों को इसकी खेती से फायदा होगा, लेकिन पूरे सीजन में इतना दाम ही नहीं मिला। इस साल किसानों को 100 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक का रेट मिला है। दरअसल इस साल प्याज की गिरती कीमतों को देखते हुए राज्य के किसान अब दूसरी फसलों पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत से किसान अब भी गर्मी के प्याज का स्टॉक करके रखे हुए हैं, ये सोचकर कि बाजारों में जब अच्छा दाम मिलेगा तब वो बेचेंगे, लेकिन अब किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस समय मंडियों में प्याज का दाम 100 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बाकी टाइम्स टीवी।